Today we are going to discuss our next topic of the salt family, that is baking soda. So as you know, this is from chapter 2, acids, bases and salts, and this video is for class 10 students. So let us start. Baking soda or NaHCO3. NaHCO3 is also called as chemically sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate. Okay? तो बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं और इसका कमर्शियल या कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। अब देखिए, पहले देखते हैं बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं जब हम ब्राइन की रिएक्शन, आप जानते हैं ब्राइन क्या है, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl का एक्वा सोल्यूशन, राइट। तो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। और इसके साथ जब हम अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और दूसरा प्रोडक्ट हमारा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड इसके साथ बनता है, ठीक है। तो ये तो गाइस प्रिपरेशन तरीका, प्रिपरेशन की मेथड हुआ। नाउ थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो बेकिंग सोडा है वो एक्चुअली व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसके जो क्रिस्टल्स हैं दे आर स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इसके क्रिस्टल्स वाटर में स्पेरिंगली सोल्युबल होते हैं। साथ ही साथ ये एक माइल्ड बेस है, एक वीक बेस हम कह सकते हैं, और ये नॉन कोरोसिव बेस है। सो वाइल्ड नॉन कोरोसिव बेस और एल्कलाइन नेचर का हमारा NaHCO3 होता है, राइट। अब जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट कर देते हैं तो हीटिंग का गैस के ऊपर एक्शन ऑफ हीट है, हीट के इफेक्ट से ये सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 गैस और वाटर इसके साथ बनते हैं, राइट। तो ये इसके ऊपर एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके ऊपर एक्शन ऑफ हीट कैसा है, यानी बेकिंग सोडा कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में, जो एनहाइड्रस हम कह सकते हैं वॉशिंग सोडा में, सोडा एच में, ओके। नाउ अब इसके यूजेस के बारे में गाइस, ये हमारी लाइफ में काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, काफी हद तक यूजफुल है। देखिए, पहला यूज है, इट इज यूज एज एन एंटासिड। आप जानते हैं एंटासिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी इन आवर स्टमक, राइट। तो स्टमक में जब HCl की अमाउंट ज्यादा बढ़ जाती है तो उस पर्सन को एसिडिटी फील होती है और एसिडिटी से रिलीफ देने के लिए, एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए हम किसी न किसी बेस का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर ये बेकिंग सोडा NaHCO3 का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस पर्सन को इंस्टेंटली उस एसिडिटी से रिलीफ मिले, क्योंकि ये उस एसिडिटी को, उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है, बिकॉज इट इज अ माइल्ड बेस, राइट। सो सेकंड है इसका यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखिए, कई स्टूडेंट्स बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में कोई फर्क नहीं समझते, वो समझते हैं कि दोनों ही एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। बेकिंग सोडा जो आप देख रहे हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर ये एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा और किसी माइल्ड इडेबल एसिड का, जैसे टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, राइट। तो इस तरीके का कोई जब एक माइल्ड इडेबल एसिड जब इस बेकिंग सोडा के साथ NaHCO3 के साथ मिक्स किया जाता है तो इस मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो इसलिए आप जानते हैं, क्योंकि मिक्सचर के कोई केमिकल फॉर्मूले नहीं होते, तो इसलिए बेकिंग पाउडर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि ये मिक्सचर है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का या सिट्रिक एसिड का, ओके। जबकि बेकिंग सोडा का आप देख रहे हैं केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, क्योंकि ये एक कंपाउंड है, इट्स नॉट अ मिक्सचर, ओके। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर, बेकिंग सोडा इज अ कंपाउंड, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर, क्लियर। तो इसका इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अब आप जानते हैं कि बेकिंग पाउडर हमारे डोमेस्टिक यूज में काफी हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम कोई केक, ब्रेड या किसी तरीके की कोई भटूरे या इस तरह की चीजें, इडिबल आइटम्स बनाने जाते हैं तो जो वेट डफ होता है उस वेट डफ के साथ हम बेकिंग पाउडर मिक्स करते हैं, ठीक है। अब ये उस वेट डफ को स्पंजी और सॉफ्ट कैसे बनाता है, आखिर इसके बीच में क्या रिएक्शन होती है कि जिसकी वजह से वो जो हमारा गीला आटा है या गीली मैदा है वो स्पंजी और सॉफ्ट होने लगती है, तो उसके बीच के रिएक्शन को समझना जरूरी है। देखिए, होता क्या है, जैसे हमने उस बेकिंग पाउडर को उस गीले आटे में या गीली मैदा में डाला, ठीक, जब इसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ
ऑब्वियसली मिक्स कहाँ होगा, क्योंकि जो आटा है या जो मैदा है वो हमारी गीली है, उसमें पानी मिक्स है। तो ये बेकिंग पाउडर जब इस तरीके की गीले आटे के साथ मिक्स होता है तो इसकी रिएक्शन उसमें जो प्रेजेंट है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ये उस माइल्ड एसिड के साथ जो भी टार्टरिक एसिड है या जो भी उसके अंदर सिट्रिक एसिड वगैरह पड़ा हुआ है उसके साथ इसकी रिएक्शन होती है। ठीक, तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं NaHCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन उसी माइल्ड एडिबल एसिड से आए हुए हैं जो उस बेकिंग पाउडर में मिक्स है। राइट, तो हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन होके इस रिएक्शन के जरिए ये जो बेकिंग सोडा है ये CO2 गैस प्रोड्यूस करता है एज ए प्रोडक्ट। तो ये CO2 उस गीले आटे या गीली मैदा में ट्रैप हो जाती है और क्योंकि वो गीला है वहां पे, और फिर धीरे धीरे वहां से बबल्स के रूप में ग्रेजुअली धीरे धीरे निकलनी शुरू होती है, जिसकी वजह से वो जो हमारा गीला आटा है या गीली मैदा है वो स्पंजी और सॉफ्ट और कुछ हद तक पोरस बन जाती है। ठीक, तो गाइस ये है रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड के हाइड्रोजन आयंस के बीच में। इस रिएक्शन से CO2 गैस इवॉल्व होती है, वो CO2 उस गीली मैदा और आटे में ट्रैप होने की वजह से जब धीरे धीरे बबल्स के रूप में ग्रेजुअली वो एस्केप आउट होती है, तो उसकी वजह से वो जो गीला आटा या मैदा वो हमारा स्पंजी सॉफ्ट और पोरस हो जाता है। अगर हम किसी केक में बेकिंग पाउडर मिक्स नहीं करेंगे तो वो केक हमारा हार्ड रहेगा, ठीक, टाइट रहेगा, इट विल नॉट बी सॉफ्ट एंड स्पंजी। ओके, सो यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स वो सब्सटेंसेस, वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम आग को बुझाने का काम करते हैं। राइट, अब होता क्या है, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा NaHCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नेम द कंपोनेंट्स यूज्ड इन बेकिंग इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, देन यू विल हैव टू राइट बोथ द नेम्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स के नाम बताइए जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं, तो आपको बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों नाम लिखने हैं। राइट, सो अब होता क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर बेकिंग सोडा किस तरीके से रिएक्शन करता है और पूरा जो मैकेनिज्म है वो कैसा है। देखिए एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर बेकिंग सोडा है NaHCO3 पड़ा हुआ और उसके साथ एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके साथ अंदर सस्पेंडेड और हैंग कंडीशन में पाया जाता है। अब जब हम उस टेस्ट ट्यूब को हम टेढ़ा करते हैं या उल्टा करते हैं या हम उसके नॉब को प्रेस करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड उस बेकिंग सोडा NaHCO3 के साथ मिक्स होता है। ठीक है, रिएक्शन आप यहाँ देख रहे हैं NaHCO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के दौरान एक बड़ी संख्या में एक बड़ी मात्रा में CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये CO2 गैस अपने एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, क्योंकि इसको निकलने का जो उसका रास्ता है वो बहुत नैरो पैसे दिया जाता है ताकि ये एक हाई प्रेशर से बाहर निकले, तो इस CO2 गैस के प्रोडक्शन से जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो ओवरऑल सॉल्यूशन है, वो पूरा का पूरा फोर्स आउट किया जाता है बाहर की तरफ झटके के साथ फेंका जाता है, ताकि वो जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है, जो भी बर्निंग चीज है, उसके ऊपर ये तेजी से गिरे हाई प्रेशर के साथ। अब जब इसके साथ CO2 गैस इवॉल्व होती है तो CO2 उस बर्निंग ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक ब्लैंकेट के रूप में एक शील्ड फॉर्म कर लेती है और उस ब्लैंकेट CO2 के ब्लैंकेट की या शील्ड की वजह से जो एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई उस बर्निंग ऑब्जेक्ट को नहीं मिल पाती, तो उस CO2 की प्रेजेंस की वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो वहां रुक जाती है, और जब ऑक्सीजन उस ऑब्जेक्ट को नहीं मिलती तो बहुत जल्दी उस ऑब्जेक्ट से जो बर्निंग थी उसकी जो जलना था वो बंद हो जाता है। ऐसे लोग बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, राइट, तो जब कहीं कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है, जल रही है, तो वहां ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये तरीका है गाइस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हुई, उसके साथ CO2 गैस इवॉल्व हुई, अब वो CO2 गैस या सॉल्यूशन मिक्सचर के साथ एक फोर्स के साथ बाहर निकलती है, तो उस बर्निंग आर्टिकल के ऊपर, बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक शील्ड बनाती है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बना लेती है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई उस बर्निंग ऑब्जेक्ट को नहीं मिल पाती और जिसकी वजह से उसका जलना बहुत जल्दी बंद हो जाता है, उसमें आग जो जल रही थी वो रुक जाती है, भूख जाती है। ओके, तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।
and keep studying honestly, keep watching videos, keep sharing and stay safe. God bless you. Thank you.